Hey guys, this is Mukul Sharma AKA, stufflistings. Welcome to yet another episode of Tech Stuff. Good morning. Before you start watching the video, if you're new to the channel, don't forget to subscribe to stufflistings. आज की हम स्टार्ट करते हैं Xiaomi के सब ब्रांड Redmi के साथ हैं Redmi Note 8 Pro स्मार्टफोन का एक नया वेरिएंट जो Xiaomi का ग्लोबल हैंडल टीज कर रहा था कुछ टाइम से अब वो फाइनली ऑफिशियल हो चुका है कुछ आपको इसमें स्पेसिफिकेशंस वगैरह चेंज नहीं मिलेंगी बट ये जो कलर वेरिएंट है दिखने में अच्छा लग रहा है इसका नाम है कोरल ऑरेंज स्पेशल एडिशन स्पेशल क्या है इसमें खाली कलर बट स्टिल इफ इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन दिस न्यू कलर वेरिएंट ऑफ द Redmi Note 8 Pro स्मार्टफोन जल्दी ही ये इंडिया में भी लॉन्च हो सकता है कलर वेरिएंट्स की अगर हम बात करें तो Samsung Galaxy Note 20 का कुछ टाइम पहले रेड कलर वेरिएंट भी अनवील हुआ था अब इस स्मार्टफोन का एक मिस्टिक ब्लू कलर ऑप्शन भी ग्लोबल मार्केट में आ चुका अभी के लिए इंडिया में तो ये वेरिएंट नहीं आया बट फ्यूचर में आपको Samsung Galaxy Note 20 का मिस्टिक ब्लू कलर वेरिएंट भी इंडिया में देखने को मिलने वाला है आगे बढ़ते हैं Huawei की तरफ एंड Huawei के Mate 40 सीरीज ऑफ स्मार्टफोन्स की तरफ से एक इंटरेस्टिंग न्यूज निकल के आ रही है Huawei का जो Mate 40 Pro होगा इसमें दो वेरिएंट्स तो कंफर्म है Huawei Mate 40 Pro और Huawei Mate 40 स्टैंडर्ड जो होगा इसमें से जो Huawei Mate 40 Pro होगा वहां पे हमें मिलेगा MIUI 11 जो कि Huawei का लेटेस्ट कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है या कस्टम स्किन है Whereas जो Huawei Mate 40 होगा वहां पे हमें अभी भी MIUI 10 ही देखने को मिलेगा ये कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है स्ट्रेंज डिसीजन है बट स्टिल आपको यहां पे बताना मेरे लिए बहुत जरूरी था आगे बढ़ते हैं Infinix की तरफ एंड Infinix का 08 स्मार्टफोन जल्दी ही लॉन्च होने वाला है कल शाम की वीडियो में मैं आपको बताया था कि Infinix 08 जो स्मार्टफोन है वो TKDN सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे भी आ चुका है दैट मींस एशियन लॉन्च इस स्मार्टफोन की जल्दी ही होने वाली है अब इसके साथ एक और Infinix का स्मार्टफोन जुड़ गया है Infinix X657C अब इसका नाम कंफर्म नहीं है बट यस Infinix का एक और एंट्री लेवल स्लैश मिड रेंज स्मार्टफोन लॉन्च हो सकता है एशियन मार्केट्स में इंक्लूडिंग इंडिया बिकॉज ये TKDN सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे अब सर्टिफाई हो चुका है आगे बढ़ते हैं फॉसिल की तरफ है अगर आपने फॉसिल की जेन 5 स्मार्ट वॉच खरीद रखी है बहुत कम लोगों के पास ये वॉच होती है बहुत नीश ऑडियंस है फॉसिल की जो स्मार्ट वॉचेस में भरोसा रखते हैं मेरे को इनकी बैटरी बैकअप वगैरह कुछ खास अच्छी नहीं लगती बट स्टिल अगर आपके पास फॉसिल की जेन 5 स्मार्ट वॉच है तो आपकी वॉच में एक नया अपडेट आया जिसमें आपको मिलेगा स्लीप ट्रैकिंग और VO2 मॉनिटरिंग फीचर कितने लोगों के पास बाय द वे यहां पे स्मार्ट वॉचेस हैं कितने लोग स्मार्ट वॉचेस यूज करते हैं कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं और साथ ही साथ लावा के लावा A5 और लावा A9 ये फीचर फोन्स हैं ये भी इंडिया में लॉन्च हो रहे हैं इन स्मार्टफोन्स और इन फीचर फोन्स की इंटरेस्टिंग यहां पे बात ये है कि इनकी बैक पे आपको इंडिया का फ्लैग देखने को मिलेगा विच इज अ प्राउड थिंग फॉर ऑल ऑफ अस सो यस 15th ऑफ ऑगस्ट भी आ रहा है सो इस उपलक्ष्य में ये जो हैशटैग प्राउडली इंडियन एडिशन लॉन्च हुए हैं इन फोन्स के पर्सनली चलो ठीक है मैं तो अगर परचेज करना हो मैं परचेज करना चाहूंगा इस चीज को एटलीस्ट एक ट्रिब्यूट हम दे सकते हैं कि यार अभी के लिए जितनी भी टेक्नोलॉजी बनी है मैन्युफैक्चर इंडिया में हुआ है अब मैं मानता हूं इसमें प्रोसेसर वगैरह जो है वो तो इंडियन नहीं होगा बट वी कांट हेल्प इट एक छोटी सी स्टार्ट है सो लावा A5 और लावा A9 जो स्मार्टफोन है इनकी प्राइसिंग है 1333 रुपीज और 1574 रुपीज कोई ज्यादा महंगे नहीं है सो पर्सनली मैं चाहूंगा अगर मेरे को मौका मिला तो मैं इनको परचेज करूंगा अगर आप चाहते हैं कि मैं इन दोनों हैशटैग प्राउडली इंडियन फोन्स की अनबॉक्सिंग करूं हमारे चैनल पे कमेंट सेक्शन में आप पक्का से हमें बता सकते हैं आगे बढ़ते हैं Huawei की तरफ एंड Huawei ने पास्ट में बहुत सारे टैबलेट्स बहुत सारे लैपटॉप्स लॉन्च किए बट अब Huawei जिस लैपटॉप को लॉन्च करने वाला है उसमें रिपोर्टेडली हमें कोई फ्रेम नहीं देखने को मिलेगा इट्स गोइंग टू बी अ कोट अनकोट फ्रेमलेस डिस्प्ले लैपटॉप अब यार फ्रेमलेस कहने की बात है कुछ ना कुछ तो हो सकता है साइड पे हमें मिलेगा ही मिलेगा कंप्लीट बेजललेस स्मार्टफोन भी अभी तक ज्यादा नहीं आए हैं सो कंप्लीट बेजललेस या फ्रेमलेस लैपटॉप्स की एक्सपेक्टेशन तो ज्यादा ही मुश्किल होगी अभी के लिए बट यस कंपेयर टू द अदर लैपटॉप्स अवेलेबल इन द मार्केट Huawei का एक नया लैपटॉप जल्दी आने वाला है जिसमें आपको बहुत ही कम बेजल्स देखने को मिलने वाले हैं आगे बढ़ते हैं एप्पल की तरफ आपको मैंने एक न्यूज दी थी एप्पल की इंटरेस्टिंग सी कि एप्पल को कॉस ने इंडिया में कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट के लिए सू कर दिया है अब यहां पे खतरनाक चीज ये हुई कि इन अ स्ट्रेंज टर्न ऑफ इवेंट्स एप्पल ने काउंटर सू कर दिया कॉस को एप्पल कह रहा है कि हमने तो चलो जो भी किया है आपने भी हमारे कुछ पेटेंट्स वगैरह यूज किए हैं पास्ट में अब देखते हैं अल्टीमेटली कौन सी कंपनी यहां पे निकल के आती है विनर बट यस एप्पल ने अपनी तरह से अच्छा सा एक जवाब कॉस को दे दिया है आगे बढ़ते हैं Samsung की तरफ Samsung Galaxy A71 और Samsung Galaxy A51 स्मार्टफोन्स अगर आप यूज कर रहे हैं इन दोनों में से कोई एक स्मार्टफोन या फिर दोनों तो आपके स्मार्टफोन या स्मार्टफोन्स में एक नया अपडेट आना स्टार्ट हो चुका है ओवर द ईयर इनमें आपको मिलेगा क्विक स्विच
और कंटेंट सजेशन प्रिवेसी फीचर्स। प्रिवेसी को लेके बहुत सारी चीजें हो रही हैं एंड कुछ क्रिएटर्स ने कल भी सैमसंग का एक प्रिवेसी फीचर जिसको वीडियो वगैरह बना के दिखाया था, आई डोंट नो व्हाट द फीचर डज बिकॉज मेरे पास अभी के लिए सैमसंग का ऐसा स्मार्टफोन नहीं है जिसमें ये चीज सपोर्ट करे। बट यस, यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी A71 और 51 में आपको एक नया अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं वॉवे की तरफ। वॉवे का एक नया स्मार्टफोन 3C सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे अब सर्टिफाई हो चुका है। इस स्मार्टफोन में हमें मिलने वाली है 40 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग और ऑफ कोर्स ये एक 5G स्मार्टफोन होने वाला है। और सुनने में आ रहा है कि इस स्मार्टफोन का नाम हो सकता है वॉवे एंजॉय 20 प्लस। इस स्मार्टफोन के बारे में भी कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था, इसके प्रोटेक्टिव केसेस वगैरह लीक हुए थे और अब इसकी चार्जिंग स्पीड भी निकल के आ चुकी है। 40 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट हमें मिलने वाली है वॉवे एंजॉय 20 प्लस स्मार्टफोन में। और साथ ही साथ बात कर लेते हैं वॉवे के अपकमिंग फोल्डेबल स्मार्टफोन की, दैट इज द वॉवे मेट X2। अब सुनने में आ रहा है कि वॉवे मेट X2 में जो डिस्प्ले साइज होगा वो सेम होगा जितना हमें वॉवे मेट X में मिलता था। डिफरेंस यहां पे ये होगा कि यार वॉवे मेट X2 जो है वो इनवर्ट्स फोल्ड होगा, मतलब पहले बाहर की तरफ फोल्ड होता था X जो था, जिससे पूरी की पूरी डिस्प्ले बाहर की तरफ एक्सपोज हो जाती थी। अब ऐसा नहीं होगा, सैमसंग गैलेक्सी फोल्डेबल स्मार्टफोन्स की तरह वॉवे मेट X2 जो होगा वो अंदर की तरफ फोल्ड होगा। दिस इज द ओनली डिफरेंस जो आपको डिस्प्ले फ्रंट पे यहां पे देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं वीवो की तरफ। वीवो के दो नए स्मार्टफोन्स वीवो 2020 CA और वीवो V2027, अभी के लिए इनके नाम कंफर्म नहीं है बट ये वेरियस सर्टिफिकेशंस पे आ चुके हैं। 2020 CA जो है इसमें हमें मिलेगी 33 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग, 6.44 इंचेस की डिस्प्ले और 3920mAh बैटरी। ये स्मार्टफोन आया है टेना सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे, दैट मींस वीवो का ये स्मार्टफोन जल्दी ही चाइना में लॉन्च होने वाला है। और साथ में वीवो V2027 स्मार्टफोन TKDN सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे आ चुका है। इस स्मार्टफोन में हमें मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर। आगे बढ़ते हैं ओप्पो की तरफ। ओप्पो का एक नया स्मार्टफोन ओप्पो CPH2123 वाईफाई अलायंस सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर आ चुका है। स्मार्टफोन में हमें मिलेगा कलर ओएस 7.2 और एंड्रॉइड 10 सपोर्ट। आपको मैं यहां पे सर्टिफिकेशन इमेज स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं टेक स्टफ के गेमिंग सेक्शन की तरफ एंड स्टार्ट करते हैं कुछ लैपटॉप्स के साथ। एसस ने फाइनली अपना एसस ROG स्ट्रिक्स G15, G17 और स्ट्रिक्स स्कार 1517 ये लैपटॉप सीरीज इंडिया में लॉन्च कर दिए। इनकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 79,990 से। बाकी के जो लैपटॉप वेरिएंट्स हैं उनकी प्राइसिंग और स्पेक्स मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं GTA की तरफ। GTA ऑनलाइन में आज आपको एक नया समर स्पेशल अपडेट देखने को मिलेगा। अगर आप ग्रैंड थेफ्ट ऑटो ऑनलाइन खेलते हैं, फुल फॉर्म पता है मेरे को, अगर आप ये गेम खेलते हैं तो आपको एक नया अपडेट आज अपनी गेम में देखने को मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं Xbox की तरफ एंड Xbox सीरीज X जल्दी ही लॉन्च होने वाली है बट उसके साथ लॉन्च होगा रिपोर्टेडली एक बजट ओरिएंटेड Xbox कंसोल भी। अब इसका नाम लग रहा है कि कंफर्म हो चुका है या लीक हो चुका है बट यहां पे बहुत ही एक सॉलिड लीक निकल के आया है। सो Xbox यूजर्स के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है। Xbox सीरीज X का जो बजट फ्रेंडली वेरियंट होगा उसका नाम होगा Xbox सीरीज S, S फॉर Sierra stufflistings। So, ये एक जो इसका कंट्रोलर था बहुत टाइम पहले, इससे पिछले वाले सेटअप में मैंने बात की थी कि एक नया कंट्रोलर लीक हुआ था, अब वो कंट्रोलर का रिटेल बॉक्स भी लीक हो चुका है और वहां पे साफ साफ दिख रहा है कि इसका नाम होगा Xbox सीरीज S। आगे बढ़ते हैं एक इंटरेस्टिंग न्यूज की तरफ है। अगर आपको याद होगा कुछ टाइम पहले मैंने बताया था कि यार पंजाब में एक बच्चे ने पबजी मोबाइल खेलते खेलते अपने घर वालों की सारी जमा पूंजी जो थी पूरी लाइफ की उसको स्पेंड कर दिया। जो भी चीजें आप पबजी मोबाइल में खरीद सकते हैं उस बंदे ने सारे पैसे वहां लगा दिए। सिमिलर इंसिडेंट यहां पे हुआ है एंड ये इंडिया में नहीं हुआ, बाहर हुआ है, बट स्टिल एक मदर ने $20,000 रिकवर किए। 17 दिन लगे उनको इस चीज को रिकवर करने में। ट्विच पे जो डोनेशंस होती हैं गेम की, जो स्ट्रीमिंग वगैरह होती है, उस पर इनके बच्चे ने $20,000 लगा दिए, डोनेट कर दिए। अब इनको बहुत दिक्कत आई, पहले तो यार पैसे अगर आ चुके हैं वापस कौन करेगा, फिर बहुत मुश्किल से इन्होंने ट्विच से बात की। उसके बाद ट्विच का ये जो डोनेशन वाला गेटवे का जो कंपनी है, ब्रांड है, उससे किसी तरीके से बात करके उन्होंने ये कंडीशन रखी कि जो आपका जो अकाउंट है ट्विच का वो परमानेंटली लाइफ लॉन्ग बैन हो जाएगा, तभी हम आपको पैसे देंगे। तब जाके ये $20,000 जो थे वापस आए। ट्रस्ट मी, $20,000 इज अ बिग मनी। आई डोंट नो, मैं गिन नहीं सकता कितने हैं, कितने होते हैं, आप वैसे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो, घने होशियार आप बन जाओगे। बट यहाँ पे एक सीरियस मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहूंगा, जब तक हम अपने पैरों पे ना खड़े हों, ये जो पैसे हैं अगर हमारे पेरेंट्स के हैं, वी हैव टू स्पेंड देम वेरी वाइजली। अपनी पढ़ाई में हमें लगाना चाहिए सो दैट हम अगर हमारे पेरेंट्स हमें 10 रुपये दे रहे हैं तो हम आगे से उनको 10 रुपये वापस देने लायक बने। ये मेरा मैसेज यहाँ पे रहेगा एंड ऐसी चीज़ें मैं होप करूंगा, एक्सपेक्ट करूंगा कि हमारी स्टफ लिस्टिंग्स आर्मी का कोई मेंबर ऐसा नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं Xiaomi के अपकमिंग Mi 10 Extreme Commemorative Edition की तरफ। देखो
Mi 10 Extreme Commemorative Edition जो है वो लॉन्च होने वाला है आज चाइना में है. राइट अहेड द लॉन्च इसका एक और प्रमोशनल पोस्टर निकल के आ चुका है जिससे इसकी बहुत सारी स्पेसिफिकेशंस आ चुकी हैं. 120x का पेरिस्कोपिक जूम कैमरा, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 120 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग, 120 IQ 5 की भी मेरे को यहां पे याद आ गई. सो Mi 10 एक्सट्रीम कमेमोरेटिव एडिशन का ये सारा कुछ निकल के आया और साथ ही साथ Mi 10 एक्सट्रीम कमेमोरेटिव एडिशन स्मार्टफोन की प्राइसिंग भी लीक हो चुकी है. नोटेबली इसका जो 12GB 256GB वेरिएंट होगा उसकी प्राइसिंग होगी 6299 युआन, दैट इज समवेयर अराउंड 66,000 रुपीज इन इंडिया. और इसकी 12512 या 12GB ऑफ रैम, 512GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज जो वेरिएंट होगा उसकी प्राइसिंग होगी 6999 युआन, दैट इज 73,000 रुपीज के आसपास ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा. महंगा स्मार्टफोन है बट ऑफकोर्स यहां पे आपको स्पेसिफिकेशंस फीचर्स भी अच्छी देखने को मिल रही हैं. आगे बढ़ते हैं नोकिया की तरफ. नोकिया की तरफ से बहुत सारी न्यूज निकल के आ रही है. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नोकिया के कुछ अपकमिंग स्मार्टफोन से. नोकिया TA1243, 1272, 1276, 1283, 1294 पांच स्मार्टफोन अब EEC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे आ चुके हैं. कल मैंने आपको बताया था तीन नोकिया के स्मार्टफोन आए थे, अब ये पांच टोटल मिला के 8 अलग अलग नोकिया के स्मार्टफोन जल्दी ही ग्लोबली लॉन्च होने वाले हैं. ये तो थी नोकिया के ग्लोबल स्मार्टफोन्स की लॉन्च, बट अगर हम इंडियन सेंट्रिक बात करें तो नोकिया के तीन स्मार्टफोन्स इसी महीने लॉन्च होने वाले हैं इंडिया में, ऐसा एक नई रिपोर्ट बता रही है. और इसमें से एक स्मार्टफोन होगा नोकिया का 5.3 जो कि कुछ टाइम पहले बाहर लॉन्च हुआ था. अगर आप स्टॉक एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स में इंटरेस्टेड हैं ये स्मार्टफोन्स जल्दी इंडिया में आने वाले हैं, बट ये वो स्मार्टफोन नहीं जिसके बारे में मैं बात कर रहा था. आगे बढ़ते हैं हाइड्रोजन ओएस की तरफ जो कि चाइनीज ऑक्सीजन ओएस का काउंटर पार्ट है. हाइड्रोजन ओएस 11 जो कि एंड्रॉइड 11 बीटा 3 पे बेस्ड है वो OnePlus 8 और OnePlus 8 प्रो यूजर्स के लिए चाइना में रिलीज हो चुका है. इंडियन OnePlus 8 सीरीज के लिए भी जल्दी ही ऑक्सीजन ओएस का बीटा अपडेट, ऑक्सीजन ओएस 11 का बीटा अपडेट जल्दी ही रोल आउट होना शुरू हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं पोको की तरफ. पोको F1 यूजर्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज है. इंडिया में पोको F1 स्मार्टफोन्स में MIUI 12 बेस्ड एंड्रॉइड 10 अपडेट अब आना स्टार्ट हो चुका है. अभी के लिए जो अपडेट है ये सबको नहीं मिलेगा, पायलट टेस्टर्स जो थे उनको ये अपडेट देखने को मिलने वाला है. बट अगर आप पायलट टेस्टर थे यू कैन एंजॉय MIUI 12 बेस्ड पोको UI, पोको फॉर MIUI, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट राइट अवे ऑन योर स्मार्टफोन. और आगे बढ़ते हैं आज की लास्ट न्यूज की तरफ एंड OnePlus से खत्म करते हैं आज की न्यूज. OnePlus Nord स्मार्टफोन जो कि वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड स्मार्टफोन्स रहा है पिछले कुछ टाइम से. OnePlus Nord अगर आपने परचेज कर लिया या लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए यहां पे अच्छी न्यूज है. OnePlus Nord में एक नया ऑक्सीजन ओएस अपडेट 10.5.4 इसका बिल्ड नंबर है आना स्टार्ट हो चुका है. ओवर द एयर ऑफिशियल अपडेट है, स्टेबल बिल्ड है. इसमें आपको मिलेगी सिस्टम और कैमरा इंप्रूवमेंट्स, कितना सिस्टम इंप्रूव होगा, कितना स्टेबल यहाँ पे आपको सिस्टम मिलेगा और कितना कैमरा इंप्रूव होगा ये तो टेस्टिंग के बाद ही पता चलेगा. अगर आप में से कोई भी OnePlus Nord स्मार्टफोन यूज कर रहा है तो आप अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि भाई इस अपडेट के बाद क्या अच्छा देखने को मिला, कोई बग्स वगैरह यहाँ पर को बताओ, सो दैट मैं टेक्स्ट ऑफ में अपकमिंग टेक्स्ट ऑफ में वो भी रिपोर्ट करके आप लोगों को बता पाऊं. और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कल का पोल देख लेते हैं. कल हमने आपसे पोल में क्वेश्चन पूछा था विच कंपनी इज गोइंग टू लॉन्च अ स्टॉक एंड्रॉइड मोबाइल फोन. इस महीने मैंने आपको एक हिंट दिया था और 76% लोग कह रहे हैं मोटरोला. 5,000 लोगों ने वोट किया यहाँ पे तकरीबन एंड 76% लोग कह रहे हैं कि मोटरोला एक स्टॉक एंड्रॉइड वाला स्मार्टफोन लॉन्च करेगा. अब देखते हैं क्या बनता है, मैं अभी के लिए तो आपको नहीं बता सकता, हिंट मैंने आपको दे दिया, अब जल्दी ही जब भी टाइम आएगा आपको पता चल जाएगा. और आज की वीडियो का पोल ये है कि कितने लोग टेक्स्ट आपको चाय पीते हुए देखते हैं. कम्युनिटी सेक्शन में जाओ, पक्का से पोल करके हमें बताओ, एक आइडिया हो जाएगा. और अगर आप लोग चाय पीते हुए टेक्स्ट ऑफ देखते हैं और मेजॉरिटी अगर ऐसा करती है स्टफ लिस्टिंग्स आर्मी की, कल से मैं भी ट्राई करूंगा कि सुबह वाली जो वीडियो होती है आप लोगों के लिए वो मैं भी चाय पीते पीते बनाऊं. कम्युनिटी सेक्शन में जाके पक्का से हमें आज पोल करके बता दीजिए. और आज की वीडियो का क्विज आप लोगों के लिए है कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था. अगर आप कमेंट सेक्शन में हमें बता पाए तो आप घने होशियार. और वीडियो खत्म करते हैं कल के कमेंट्स के साथ. आकाश साहब कह रहे हैं हैविंग अ मॉड्यूलर फोन इज हाइपोथेटिकल ड्रीम बट प्रैक्टिकल सॉल्यूशन कैन बी डन एज रेडमी K20 सीरीज लॉन्चिंग डिफरेंट फोन्स विद सेम फीचर्स विद डिफरेंट रेंज ऑफ प्रोसेसर्स एज लाइक लैपटॉप्स. आई थिंक दैट वुड बी नाइस एज वी सॉ K20 एंड K20 प्रो हैव ऑलमोस्ट एवरीथिंग द सेम बट द प्रोसेसर इज डिफरेंट. कंपनीज कुड लॉन्च एटलीस्ट 3 फोन्स विद द सेम एग्जैक्ट फीचर्स विद स्नैपड्रैगन 6, 7 and 8 सीरीज प्रोसेसर्स. A very nice idea, Redmi K30 6 series or Redmi K30 Snapdragon 6 series edition, 7 series, 8 series. This could be done, ek bahut hi practical solution ye ho sakta hai. Rather than launching Redmi Note 9, Note 9 Pro, Note 9 Pro Max, Note 9 Pro Max Ultra, POCO M2 Pro, Redmi 9 Prime. मैं दिखाने लगा था, गलती से अभी दिखा नहीं सकता. और ये सारी चीजें करने की जगह अगर आपको पता है प्रोसेसर्स हैं, प्रोसेसर के नाम पे आप एक स्मार्टफोन के बहुत सारे अलग अलग
iterations, variations निकाल सकते हैं, but still सबकी अपनी अपनी सोच है, कंपनी को भी कुछ ना कुछ तो लगता होगा कि उनको अलग अलग नाम रखने से फायदा हो रहा है, तभी वो करती हैं ये सब कुछ। ये भी मैं चीज बोलना चाहूंगा, अब Realme ने रीब्रांड कर दिया 6 को, नार्जो वगैरह जो चल रहा है, Redmi POCO रीब्रांडिंग चल रही है, हर जगह रीब्रांडिंग चल रही है। हमें क्या लगता है कि कंपनी ने कुछ रिसर्च नहीं की होगी, मतलब अभी भी आउट ऑफ स्टॉक सारी चीजें जा रही हैं। एंड ऑफ कोर्स हम ये बोल सकते हैं कि यार कंपनी 10 यूनिट को बेच देती है, बट उसके बाद हम लोग कमेंट में भी बोलते हैं आई वाज सक्सेसफुली एबल टू बुक एनी स्मार्टफोन, मैं किसी एक ब्रांड की बात नहीं कर रहा। तो मेरे को लगता है कंपनी भी कुछ सोच के कर रही है, हमारा आइडिया भी बहुत अच्छा है, मैं आपसे कंप्लीटली यहां पे अग्री करता हूं। सैयद नसीब साहब कह रहे हैं इन्फिनिक्स 08 एंड इन्फिनिक्स 8i विल गेट डायमंड कट डिजाइन ऑफ रियर कैमरा सेटअप, उन्होंने दिया एक अंगूठा, मैं भी आपको देता हूं अंगूठा, और 15 और लोगों ने भी आपको दिया है एक थम्स अप। और आगे बढ़ते हैं बूंदों का सागर कह रहे हैं फाइनली आई लीक द सरप्राइज ऑफ कलैब वीडियो विद टेक्नो रुहेज यस्टरडे, रुहेज भैया टुक माय क्वेश्चन इन आस्क रुहेज एंड आई आस्क्ड टू कलैब विद मुकुल भैया, अच्छा आपका क्वेश्चन पिक किया उन्होंने, ओके थैंक्स लॉट फॉर दैट। एंड बूंदों का सागर जी और पूरी स्टफलिस्टिंग्स आर्मी को मैं बोलना चाहूंगा कि जो ट्यूजडे की उनकी वीडियो को एक अलग वीडियो है, वो मैं ऐसे लीक कर रहा था मजाक में, इट्स अ सरप्राइज वीडियो रुहेज ने अपने से बनाई है वो, बट टेक्नो रुहेज और स्टफ लिस्टिंग्स का कलैब आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है, हमारी प्लानिंग ऑलरेडी चल रही है। अभी के लिए यार हमने ये सोचा था कि एक वर्चुअल कलैब करते हैं, उसमें इतना मजा नहीं आएगा, सो वी आर वेटिंग फॉर थिंग्स टू यू नो गेट बेटर, हम जैसे ही ट्रैवल वगैरह ढंग से कर पाएंगे, तो प्लान तो यही है यार, अभी प्लानिंग फेज में ही चल रहा है, जब भी कुछ कंफर्मेशन आएगी मैं आपको डेफिनेटली लीक करके बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं कमेंटेटर ऑफ द डे की तरफ, शिवम कुमार इज वंस अगेन द कमेंटेटर ऑफ द डे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे टर्न ऑफ इवेंट्स में शिवम कुमार तीसरी चौथी बार लगातार कमेंटेटर ऑफ द डे बन गए, वो कह रहे हैं बंटी धोते जाओ, मी 10 अल्ट्रा जूम करते जाओ इनफिनाइट टाइम्स, मुकुल भैया लीक करते जाओ एंड वो सारा कुछ, मी मुकुल भैया के ट्वीट्स एंड वीडियोस को लाइक करते जाओ, और आप लोग भी क्या कर रहे हो, अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जो भी कर सकते हो इस वीडियो को कर दो, बिकॉज इस वीडियो को शूट करने में आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट हमें 1 घंटे से ऊपर लगा है, अब ये लेंथ जितनी भी होगी वो मेरे को नहीं पता, बट आज ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस बहुत सारी चीजें हो रही थी, वो लाइट देख रहे हो अगर बंद होगी वहां पे, इतनी देर से हमारी वीडियो शूट हो रही है, 10 बार बीच में कट्स लगे हैं, डोमिनो आ रहा है, कभी कोई गेस्ट आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, फ्लिपकार्ट की डिलीवरी होगी रात को 11:15 बजे, आई डोंट नो क्या क्या हो रहा है, हम सीरियसली थक चुके हैं ये वीडियो बना के, और हम इसके बाद अभी एडिटिंग वगैरह वाला काम अभी होगा, अभी ये तो रॉ वीडियो शूट हो रही है, सो यस अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आता है प्लीज जितना शेयर कर सकते हो उतना कर दो, एंड हो सकता है ये वीडियो जब तक खत्म होगी आप लोग देख रहे होंगे हमारे 35K स्टफ लिस्टिंग्स आर्मी के मेंबर्स हो जाएंगे यूट्यूब पे, सो थैंक्स अ लॉट शिवम फॉर दिस कमेंट एंड यू हैव बिकम द कमेंटेटर ऑफ द डे। और वीडियो खत्म करते हैं स्टफ यू शुड नो के साथ, एंड मकवाना कुलदीप साहब ने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें प्रोवाइड किया, वो कह रहे हैं स्टडीज हैव फाउंड दैट स्माइलिंग इज 69% मोर अट्रैक्टिव देन वेयरिंग मेकअप, तो ठीक है जितना हंसोगे वैसे अच्छी बात है, वी शुड ऑलवेज कीप स्माइलिंग, वी शुड ऑलवेज कीप लाफिंग, एंड यस दिस इज द वे टू गो अबाउट इन लाइफ, नेगेटिव होके कुछ नहीं रहा, अगर फोन महंगा है तो बोल दो कोई नहीं अगला आएगा वो खरीद लेंगे, क्या हैशटैग ओवर प्राइस्ड है, हर चीज में ओवर प्राइस्ड, हर चीज में हम दुखी होते रहेंगे अगर, तो लाइफ एक बहुत ही यू नो छोटी सी हमारी फाइनाइट एग्जिस्टेंस है इस प्लेनेट पे, वी ग्रो अप, पहले स्कूल खत्म, कॉलेज खत्म, यूनिवर्सिटी खत्म, नौकरी, बुढ़ापा, एंड या दैट्स इट, और इसमें अगर आप दुखी होते रहे कि ये हो गया वो हो गया तो यार ऐसे काम नहीं चलता, ऐसे मेरे पास दुखी होने के हजारों करोड़ों रीजंस हैं, ठीक है ना, बट आपने आई डोंट नो इफ यू हैव एवर सीन मी गेटिंग यू नो सैड और व्हाटएवर, ट्विटर पे आपने अगर कभी देखा हो मैं कोई नेगेटिव ट्वीट किया हो, ठीक है, स्प्रेड पॉजिटिविटी, और ये आज का मेरा मैसेज रहेगा। आई होप अभी आप लोग चाय पी रहे होंगे, चाय पीते आपको ये पता होना चाहिए कि लाइफ में खुश होना बहुत इंपॉर्टेंट है, देर आर पीपल इन लाइफ जिनको बहुत सारे यू नो सेटबैक्स मिले हैं, इंक्लूडिंग पीपल लाइक मी, ठीक है, बट स्टिल आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू स्टे एज पॉजिटिव एज पॉसिबल, और यही मैसेज मैं पूरी स्टफ लिस्टिंग्स आर्मी को आज देना चाहूंगा, स्टे पॉजिटिव, वीडियोज को लाइक्स कीजिए, गिव पीपल योर हार्ट्स, गिव पीपल योर लाइक्स, एंड यू नो स्टे ह्यूमन, गॉड ब्लेस यू ऑल, पीस।